आपको पता है मेरी लाइफ में एक ऐसा भी पॉइंट था जब मैं यू की तैयारी कर रही थी और उस टाइम पर मैंने एक टर्म के बारे में पढ़ा था जो था सार्क नेशंस कि ये क्या है इसमें क्या होता है वो सब उस टाइम पे पढ़ा था और मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं कभी भी उस टाइम के बाद मैं ये टर्म यूज करूंगी मतलब अपनी निजी लाइफ में तो क्यों ही यूज करती मैं बट वो पॉइंट आ गया है वो टाइम आ गया है वी हैव टू टॉक अबाउट सा कंट्रीज एंड इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट इन फुटबॉल उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गेट नीडियो राइट नाउ नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप वेल एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैटर्स जो आपने टाइटल में भी देख लिया मैंने कोल्ड स्टार्ट भी कर दिया और आपको पता भी है आज

और वाई नॉट लेट्स डू इट टूडे सबसे पहले समझते हैं कि सैफ चैंपियनशिप का फुल फॉर्म क्या है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप और इसका प्रीवियसली जो नाम था वो था सार्क गोल्ड कप या फिर सैफ गोल्ड कप तो पहले इसके ये नाम थे अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने सार्क सार्क वर्ड इतनी बार यूज कर लिया इसका एक्चुअली मतलब क्या है सार्क जो है ये 1985 में बना था और इसका जो फुल फॉर्म है उससे ही काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जितनी भी कंट्रीज़ हैं ना साउथ एशिया में उनमें एक अच्छा बॉन्ड होना मतलब बहुत लेमैन टर्म में मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जितनी भी साउथ एशिया में कंट्रीज हैं उनका इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन होना यू नो फ्री ट्रेड होना उनमें या फिर इकोनॉमिकली काफ़ी अच्छा ग्रोथ होना इन कंट्रीज़ का आप बिलीव नहीं करोगे तीन परसेंट ऑफ वर्ल्ड एरिया जो है ना तीन परसेंट दुनिया का जितना एरिया है वो ये साख नेशंस कवर करते हैं एंड आल्सो वन मोर थिंग ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन जस्ट इमेजिन तो काफ़ी भारी भरकम पॉपुलेशन है ये जो साख नेशंस के अंडर आता है अब बात करते हैं साख नेशंस में कितनी कंट्रीज हैं और कौन कौन सी कंट्रीज है आठ कंट्रीज हैं साख नेशंस में लेकिन एक जो चीज़ हमको याद रखनी है वो ये है 2007 में अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया उससे पहले वो नहीं था तो उससे पहले जो सात कंट्रीज थी वो थी बांग्लादेश भूटान इंडिया मालदीव्स, नेपाल पाकिस्तान एंड श्रीलंका तो 1985 से सार्क नेशंस के समिट्स होते हैं तो क्या हुआ था 2016 में पाकिस्तान में ये समिट होना था अब 2016 में सिंस पाकिस्तान ने उरी अटैक करवाया मतलब इन्वॉल्वमेंट था उनका जिसकी वजह से इंडिया बैकडाउट ऑफ इट कि भाई हम तो नहीं इसमें आने वाले बैठने वाले कोई भी वे में हम बात नहीं करेंगे यूरी अटैक की वजह से और यही देखते तो दूसरे भी कंट्री से उन्होंने भी बैकआउट कर दिया था बट दैट्स वाई तब से काफ़ी देर से इसमें समिट्स नहीं हो रहे थे आप लोग भी सोच रहे हो कि बहुत पढ़ाई होगी लेट्स नॉट टॉक अबाउट जस्टिस हम यहाँ पे फुटबॉल के बारे में बात करने आए हैं प्लीज उसके बारे में बताओ ठीक है उसी के बारे में बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में पहले बात करते हैं तो क्या है ना ये जो कॉम्पिटिशन है साफ चैम्पियनशिप सबसे ज़्यादा बार इंडिया जीता है तो इंडिया आठ बार जीत चुका है पिछली बार ये दो में हुआ था जो कि इंडिया ही जीता था एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जितनी बार भी इंडिया ने होस्ट किया है ये कंपटीशन दैट वाज इन 1999, 2011 एंड 2015 तीनों बार इंडिया जीता था और इस बार भी इंडिया होस्ट कर रहा है यू नो मे बी वी मेक इट द टाइम एज वेल बाकी दो बार जीता हुआ है अफगानिस्तान एक बार जीता हुआ है बांग्लादेश एक बार जीता हुआ है श्रीलंका भी एक बार जीता हुआ है सबसे पहली बार जब ये ये हुआ हुआ था था तब इसको सार्क गोल्ड कप बोलते थे और ये हुआ था लाहौर में 1993 में जो की इंडिया जीता था उस टाइम पे सिर्फ चार नेशन ने पार्टिसिपेट किया था दैट वॉज इंडिया नेपाल श्रीलंका एंड पाकिस्तान हर दो साल में ये कॉम्पिटिशन करवाया जाता है पर अगर आप एक पैटर्न देखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि भाई अफगानिस्तान तो काफी

किर्गिस्तान ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान एंड उजबेकिस्तान तो 2015 से अफगानिस्तान खेल रहे हैं वहां दैट्स नॉट प्लेइंग इन सैफ चैंपियनशिप अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है सैफ चैंपियनशिप 2023 ये एडिशन है इंडिया में हो रहा है बैंगलोर में मैचेस हो रहे हैं ट्वेंटी जून से मैचेस शुरू है फोर्थ जुलाई तक फाइनल हो जाएगा इस बार आठ कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है दो ग्रुप बने हैं चार चार के दो ग्रुप्स है आप नोटिस करेंगे कि यार आठ कंट्रीज तो सार्क में भी है तो क्या यही आठ कंट्रीज खेल रही है Usually तो वही होना चाहिए लेकिन जैसे मैंने बताया अफगानिस्तान पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा है क्योंकि वो तो एक नए जनवरी में, है, है में उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया था जिसकी वजह से श्रीलंका इज नॉट पार्टिसिपेटिंग तो अब आठ कंट्रीज कैसे हुए बाकी तो वही है जो साख नेशंस है छह कंट्रीज बाकी दो गेस्ट कंट्रीज हैं एक है लेबनान और एक है कुत कम से कम 18 मैक्सिमम 23 प्लेयर्स का स्कॉर तैयार हो गया है जिसमें कि कम से कम से तीन गोलकीपर होने जरूरी हैं इंडिया जो है ग्रुप ए में है और इंडिया के साथ है कुवैत नेपाल पाकिस्तान और वहीं जहां ग्रुप बी के बारे में बात कर ले वहां है लेबनान मॉल भूटान एंड बांग्लादेश दोनों ग्रुप्स में जो भी टॉप टू कंट्रीज होंगी वो आगे जाके सेमीफाइनल्स खेलेंगी फिर होगा फाइनल्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है ट्वेंटी जून को That's going to be interesting. Even though India काफी हाईली प्लेस्ड है फीफा रैंकिंग में इफ़ वी स्टार्ट कम्पेयरिंग विद पाकिस्तान बट जब भी पाकिस्तान की बात आती है ऑब्वियसली वी हैव टू विन द मैच नो मैट अवॉर्ड लास्ट टाइम जब इंडिया ने पाकिस्तान को खेला था फुटबॉल में दैट है बैक इन सेप्टेंबर टू थाउजेंड एटीन और उस टाइम पर इंडिया जीत गया था बाई थ्री वन

निया पाकिस्तान एंड जीबूटी तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान भी कोई भी मैचेस खेल के नहीं आ रहा है जैसे हम फोर नेशन टूर्नामेंट खेल रहे हैं वैसे वो भी खेल के आ रहे हैं तो मैच इंटरेस्टिंग होगा आई होप हमारे लिए काफी इजी विन हो दैट्स व्हाट आई वांट इन दिस मैच इट शुड बी एक्साइटिंग काफ़ी लोग जा भी रहे हैं मैचेस देखने इन बैंगलोर अब टिकट्स के बारे में बात कर लेते हैं सैफ कप का कि कहा से मिलेगा तो पेटीएम इन साइडर पर आपको टिकट्स मिल जाएंगी वहां पर सारे मैचेस की टिकट्स आई थिंक अवेलेबल हैं तो अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करती हूँ तो देखिए आप नॉर्थ अपर में टिकट है ईस्ट अपर ए में थ्री नाइन नाइन रुपीज का टिकट है एंड वेस्ट ब्लॉक ए में फोर नाइन नाइन रुपीज का टिकट है सो तो ये सारा जो टिकट है आपको पेटीएम इन साइड पे अगर वहाँ पे भी जाना मुश्किल लग रहा है तो आप ए की अगर आप साइट पे चले जाएंगे उस साइट पे भी आपको वो लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप टिकट्स बुक करवा सकते हैं वो आपको पेटीएम साइड ले जाके अपने आप से आप वहाँ से बुकिंग करवा सकते हैं मैंने इतना कुछ बताया एक छोटी सी चीज़ आप लोग बताओगे वो ये है कि ये कहाँ पर ब्रॉडकास्ट होगा जो भी चैनल्स पर होगा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर होगा वो आप कॉमेंट करके नीचे बताएं ताकि लोगों को पता चले कि कॉम्पिटिशन वो कहाँ पर देख सकते हैं बाकी हो गया आई होप यू हैव हैवरस्ट अबाउट साफ चैंपियनशिप आई होप यू लाइक दिस वीडियो जितना हो सके शेयर करें जितना हो सके लोगों को बताएं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा और हम लोगों को पूरा सपोर्ट देना है हम लोगों को पूरा इसके बारे में बात करना है अपने घर वालों को बोलना है कि बहुत क्रिकेट देख लिया इंडिया पाकिस्तान में देख लिया अपने मैचेस अब आओ अब फुटबॉल का मैच देखते हैं एंड सपोर्ट करते हैं बिकॉज दैट्स वॉट वी नीड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एज वेल आई लव योर कॉमेंट आई लव हाउ सपोर्टिंग यू आर एंड दैट गिवस मी मोटिवेशन टू क्रिएट मोर कंटेंट टू यू नो टेक आउट टाइम फ्रॉम द बिजी डे दैट आई हैव एंड यू नो जस्ट मेक अ वीडियो एंड अपलोड सो थैंक यू फॉर दैट एंड दैट इज इट प्लीज फोर गेट लाइक सब्सक्राइब शेयर Hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you. Namaste.